now give the floor to Her Excellency Sushma Swaraj, Minister for External Affairs of India. नमस्कार सभापति जी, सबसे पहले तो मैं विदेश मंत्री लाइचेक को यूएनजीए के 72वें सत्र के सभापति चुने जाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे लिए ये गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि हम विदेश मंत्रियों में से ही एक विदेश मंत्री आज इस उच्च आसन के लिए चुना गया है। सभापति जी, मैंने पिछले वर्ष भी सभा को संबोधित किया था। इस एक वर्ष के अंतराल में संयुक्त राष्ट्र में और दुनिया में अनेक परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव चुने गए हैं और वो संयुक्त राष्ट्र को एक सशक्त संस्था बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और उन्हें परिवर्तन के एक पुरोधा के रूप में देखते हैं। सभापति जी, आज का विश्व अनेक संकटों से ग्रस्त है। हिंसा की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, आतंकवादी विचारधारा आग की तरह फैल रही है, जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, समुद्री सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। विभिन्न कारणों से अपने देशों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है। बेरोजगारी से त्रस्त युवा अधीर हो रहा है और पक्षपात से पीड़ित महिलाएं समान अधिकारों की मांग कर रही हैं। परमाणु प्रसार यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का विषय पुनः सिर उठा रहा है और साइबर सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन संकटों में से बहुत से संकटों का समाधान करने के लिए हमने वर्ष 2015 में वर्ष 2030 तक का एजेंडा तय किया था। उसके 2 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष बाकी हैं। यदि 13 वर्षों में वास्तव में हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो यथास्थिति से बाहर निकलना होगा। यथास्थिति बनाए रखते हुए हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते और इसलिए हमें अपने निर्णय प्रक्रिया में तेजी लानी होगी और कठोर फैसलों का साहस जुटाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत ने इस संदर्भ में बहुत अभिनव पहल की है, बड़े बड़े साहसिक निर्णय लिए हैं और टिकाऊ विकास के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं। गरीबी को दूर करना टिकाऊ विकास का पहला लक्ष्य है। सभापति जी, गरीबी को दूर करने के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हम उनका सहारा बने और हम उन्हें उनका हाथ पकड़कर चलाएं। दूसरा रास्ता है कि हम उन्हें ही इतना सशक्त कर दें कि उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ही न रहे, वो अपना सहारा आप बन जाएं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी निवारण के लिए दूसरा रास्ता चुना है और इसीलिए वो गरीबों का सशक्तिकरण करने में जुटे हैं। हमारी सारी योजनाएं गरीब को शक्तिशाली बनाने के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। योजनाएं तो अनेक हैं किंतु समय की कमी के कारण मैं केवल 3 योजनाओं का ही संक्षेप में उदाहरण देना चाहूंगी। सबसे पहली है जनधन योजना, जिसके अंतर्गत हमने विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। जिन गरीबों ने कभी बैंक का द्वार नहीं देखा था, ऐसे 30 करोड़ लोगों को हमने बैंक के अंदर पहुंचाया, उनके बैंक खाते खुलवाए और जिनके पास पैसा नहीं था उनका 0 बैलेंस से बैंक खाता खुला है।
दुनिया में किसी ने सुना नहीं होगा कि एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है मगर पासबुक है बैंक की। ये जो असंभव चीज दिखती थी वो भारत ने संभव करके दिखाई है। 30 करोड़ लोग, छोटा आंकड़ा नहीं है, अमेरिका की समूची आबादी है 30 करोड़, लेकिन 30 करोड़ लोगों को हमने मिशन मोड में बैंक से जोड़ने का काम किया। कुछ लोग अभी बचे हैं किंतु कार्य जारी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य 100% को इससे जोड़ना है। दूसरी योजना है मुद्रा योजना, जो फंडिंग फॉर द अनफंडेड के लिए चलाई जा रही है, यानी जिसे कभी बैंक से कर्ज नहीं मिला केवल उसी को इस योजना के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस योजना के अंतर्गत 70% से ज्यादा ऋण केवल महिलाओं को दिया गया है। सभापति जी, बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है, इसलिए स्किल इंडिया योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल देने के बाद मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना और स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण देकर हम उन्हें स्वरोजगार के काबिल बना रहे हैं। तीसरी योजना है उज्ज्वला योजना। सभापति जी, गरीब महिलाओं के लिए रोज रोज रसोई का ईंधन जुटाना एक बहुत कष्टदायक प्रक्रिया है, और उसके बाद उस धुएं से उनकी आंखें दिन रात अंधी होती चली जाती हैं। इन दोनों पीड़ाओं से मुक्त करने के लिए उज्ज्वल योजना के अंतर्गत हम गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नोटबंदी जैसे साहसिक फैसले ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। GST जैसे महत्वपूर्ण निर्णय ने एक राष्ट्र और एक टैक्स की कल्पना को साकार किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता जैसे विषयों पर जोर देकर और स्वच्छ भारत अभियान चलाकर भारत एक सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मैं यहाँ ये अवश्य कहना चाहूंगी कि समर्थ देश तो अपने बलबूते पर इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन छोटे और अविकसित देशों की मदद हम सबको करनी होगी। इसलिए इन SDGs में ग्लोबल पार्टनरशिप का सिद्धांत रखा गया था। उस सिद्धांत के अनुरूप हम सभी उनकी मदद करें ताकि छोटे देश भी 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत ने इस वर्ष इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की शुरुआत की है। सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। परसों इसी मंच से बोलते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने का गुनहगार भी बताया और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी भी। जिस समय वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे, लुक हु इज टॉकिंग। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहां खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को शांति और दोस्ती की विदेश नीति विरासत में दी थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने शांति और दोस्ती की नीति विरासत में दी या नहीं थी, ये तो इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। उन्होंने सारी रुकावटों को पार करते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, किंतु कहानी बदरंग किसने की, अब्बासी साहब, इसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। वो यहां खड़े होकर संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की बात भी कर रहे थे, पर क्या उन्हें याद नहीं कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत हम दोनों देशों ने यह निर्णय किया है कि हम आपसी मसलों को इकट्ठे बैठ करके हल करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। सभापति जी, सच्चाई तो यह कि पाकिस्तान के सियासतदानों को याद तो सब कुछ है, लेकिन अपनी सुविधा के कारण वो उसे भूल जाने का नाटक करते हैं।
पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की बात भी की। मैं उन्हें याद दिला दूं कि 9 दिसंबर 2015 को हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन के लिए जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो उनके नेता और उस समय के वजीर आजम नवाज शरीफ की सरपरस्ती में नए सिरे से डायलॉग शुरू करने का फैसला हुआ था और उसे नया नाम भी दिया गया था। नाम था कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल डायलॉग। बायलेटरल शब्द सोच समझ कर डाला गया था ताकि कोई संदेह, कोई शक शुबा, कोई डाउट रह ना जाए और यह निश्चित हो जाए कि बातचीत केवल दोनों देशों के बीच में होनी है, किसी तीसरे की मदद लेकर नहीं। लेकिन वो सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके लिए भी अब्बासी साहब जवाबदेह आप हैं, मैं नहीं। सभापति जी, आज इस मंच से मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर यह सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है आपने? एक ही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के द्वारा दी गई आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने घरेलू विकास को कभी थमने नहीं दिया। 70 वर्ष के दौरान अनेक दलों की सरकारें आईं, लेकिन हर सरकार ने विकास की गति को जारी रखा। सभापति जी, हमने आईआईटीज बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने आईएम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर ए तैयबा बनाया, आपने जैश ए मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। सभापति जी, हमने स्कॉलर्स पैदा किए, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने इंजीनियर्स पैदा किए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स मरते हुए लोगों की जिंदगी बचाते हैं और जिहादी जिंदा लोगों को मार डालते हैं। और आपका जिहादी संगठन केवल भारत के लोगों को नहीं मार रहा, वो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी मार रहा है, वो भी उनकी गिरफ्त में है। सभापति जी, यूएनजीए के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने शाम को राइट टू रिप्लाई मांगा हो और एक साथ उसे 3-3 लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ा हो, 3-3 देशों को जवाब देना पड़ा हो। यह अकेला तथ्य पाकिस्तान की करतूत को दर्शाता है। मैं कहना चाहूंगी, पाकिस्तान वालों, जो पैसा आप आतंकवादियों की मदद के लिए खर्च कर रहे हो, अगर उसे अपने आवाम की भलाई के लिए खर्च करो, अगर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खर्च करो, तो एक तो दुनिया का आतंकवाद से पीछा छूट जाएगा और साथ ही आपके आवाम का कल्याण हो सकेगा, आपके मुल्क का विकास हो सकेगा। सभापति जी, संयुक्त राष्ट्र आज जिन समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है उसमें से सबसे प्रमुख है आतंकवाद। भारत आतंकवाद का सबसे पुराना शिकार है। लेकिन मुझे याद है, जब हम आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते थे तो विश्व के बड़े बड़े देश उसे कानून व्यवस्था का मामला कहकर खारिज कर देते थे। लेकिन आज जब आतंकवाद चारों ओर पैर पसार रहा है तो अब सब देश इसकी चिंता करते हैं। लेकिन मुझे लगता है समय आ गया है जब इस विषय पर हमें अंतर्मुखी होकर सोचने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हम सभी देश बायलेटरल डिस्कशंस में, द्विपक्षीय वार्ताओं में, मल्टीलेटरल फोरम्स में, बहुपक्षीय मंचों से जब भी संयुक्त वक्तव्य, जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं तो सभी में आतंकवाद की भत्सना करते हैं और उससे लड़ने की एकजुटता का संकल्प भी लेते हैं।
किंतु सच्चाई ये है कि एक रस्म बन गई है जिसे हम निभा देते हैं, किंतु वास्तव में जब उस संकल्प को पूरा करने का समय आता है तो कुछ देश अपने अपने हितों को सामने रखकर फैसले लेते हैं। यह सिलसिला अनेक वर्षों से चल रहा है और यही कारण है कि 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित CCIT पर आज तक संयुक्त राष्ट्र निर्णय नहीं ले सका। CCIT की सभी धाराओं पर सहमति बन गई, अगर नहीं बनी सहमति तो एक धारा पर, और वो है आतंकवाद की परिभाषा। मैं कहना चाहूंगी, परिभाषा ही तो जड़ है जिसमें से अच्छे और बुरे आतंकवादी का अंतर निकलता। अगर परिभाषा पर एक राय नहीं बनेगी तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? अगर मेरे और तेरे आतंकवादी की दृष्टि अलग अलग हो जाएगी तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? यदि सुरक्षा परिषद में टेररिस्ट की लिस्टिंग पर भी मतभेद उभर आएंगे तो हम एकजुट होकर कैसे लड़ेंगे? इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से आज मेरा इस सभा से विनम्र अनुरोध है कि हम अलग अलग नजरियों से आतंकवाद को देखना बंद करें, हम समदृष्टि बनाएं और स्वीकारें कि आतंकवाद समूची मानवता के लिए खतरा है। कोई भी कारण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिंसा का औचित्य नहीं बन सकता। इसलिए अगर हम एकजुटता से लड़ने का संकल्प लें तो उसे माने भी, और अगर माने तो उसे अमली जामा भी पहनाएं। और मैं चाहूंगी कि इस वर्ष CCIT की परिभाषा पर सहमति बनाकर हम इस साल अवश्य में CCIT को पारित कर दें। सभापति जी, एक संकट मैंने जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया था। जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पेरिस समझौते की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह प्रतिबद्धता किसी लोभ या लालच के कारण नहीं है, किसी भय या डर के कारण नहीं है। यह प्रतिबद्धता हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के कारण है, और इस विषय में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ओर से एक अभिनव पहल करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है। सभापति जी, हम समूचे विश्व में शांति की कामना करते हैं, और जब ये कामना करते हैं तो केवल प्राणियों की शांति की कामना नहीं करते, हम पृथ्वी की शांति की कामना करते हैं, हम अंतरिक्ष की शांति की कामना करते हैं, हम वनस्पति की शांति की कामना करते हैं, और हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि प्रकृति को जब नष्ट किया जाता है तो वह अशांत होकर विरोध जताती है, और यदि विनाश को न रोका जाए तो रौद्र रूप धारण करके सर्वनाश कर देती है। कभी भूकंप, कभी झंझावात, कभी भयंकर वर्षा, कभी बाढ़ और तूफान, सभी माध्यमों के जरिए ये प्रमाण सामने आते रहते हैं। हाल ही में आ रहे हरिकेन्स, सभापति जी, मात्र एक संयोग नहीं है। जिस समय संयुक्त राष्ट्र में विश्व का समूचा नेतृत्व इकट्ठा है, उस समय प्रकृति द्वारा दी गई ये चेतावनी है। सम्मेलन शुरू होने के चंद दिन पहले से ही हार्वे और इरमा जैसे हरिकेन आने शुरू हो गए, और सम्मेलन के दौरान भी मेक्सिको में भूकंप आया, डोमिनिको में हरिकेन आया। हम इस चेतावनी को समझें और बैठकों में केवल चर्चा करके ना उठ जाएं, बल्कि संकल्पशीलता से आगे बढ़ें, और विकसित देश अविकसित देशों की मदद के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करें, ताकि हम अपनी भावी पीढ़ियों को सर्वनाश से बचा सकें। सभापति जी, हम विश्व की अनेक समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो संस्था इन समस्याओं के समाधान के लिए बनी है वो स्वयं भी तो समस्याग्रस्त है। अभी कुछ दिन पहले 18 तारीख को संयुक्त राष्ट्र के सुधारों के विषय में यहाँ एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मैं भी उपस्थित थी। उस बैठक में मंच से किए गए भाषणों में सुधारों से ना होने के कारण वेदना झलक रही थी, और सुधार करने के लिए संकल्पशीलता भी दिख रही थी, किंतु मैं याद कराना चाहूंगी कि वर्ष 2005 में जब विश्व सम्मेलन हुआ था तो ये तय किया गया था कि जब भी संयुक्त राष्ट्र के सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो सबसे पहले UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार का काम प्रारंभ किया जाएगा। सुरक्षा परिषद के सुधारों के संबंध में पिछले सत्र में टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन के प्रयास शुरू किए गए थे, और 160 से अधिक सदस्यों ने इसके लिए समर्थन भी व्यक्त कर दिया था। यदि हम इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा करना चाहते हैं
तो टेक्स बेस्ड निगोशिएशन का एक टेस्ट अवश्य ही होना चाहिए। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगी कि विदेश मंत्री लाइचेक को टेक्स बेस्ड निगोशिएशन प्रारंभ करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी, और मैं आशा करती हूं कि उनके सभापतित्व में यह विषय एक प्राथमिकता बनेगा, ताकि बाद में हम इसे उनकी एक उपलब्धि के रूप में गिन सकें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी हम सबको बहुत उम्मीदें हैं। गुटेरस जी, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के ढांचे में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको यूएन पीसकीपिंग से संबंधित मुद्दों का भी समाधान करना होगा। यूएन पीसकीपिंग में सुधार के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। सभापति जी, विषय तो अनेक हैं, पर इस मंच से बोलने के लिए समय कम है, इसलिए मैंने विषय प्रारंभ में ही गिना दिए थे। वैसे भी जो विषय इस सभा के लिए चुना गया है वो है लोगों के द्वारा सभ्य जीवन जीने और शांतिपूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था। ये विषय संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के भी अनुरूप है, और ये विषय मेरे देश की संस्कृति के भी अनुरूप है। सभापति जी, मेरे देश की संस्कृति पूरी वसुधा के लोगों के सुखों की कामना करने वाली संस्कृति है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है, और इसीलिए हम केवल अपने सुख की कामना नहीं करते, हम सर्व के सुख की कामना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं। और जिस मंत्र के माध्यम से सबके सुख की कामना करते हैं, उसी मंत्र का उच्चारण करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। वो मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जिसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी अपने इर्द गिर्द अच्छा ही अच्छा देखें, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। धन्यवाद। I thank the Minister for External Affairs of India for her statement.